जो ब्लॉसम सलून है पिछले 10 साल से कुर्ला के अंदर ये लोग जनता की सेवा करने का काम कर रहे, लेकिन आज नए कॉन्सेप्ट के साथ में जिस तरीके से इन्होंने एक नया सैलून का उद्घाटन आज किया है, इसमें फुल फैमिली छोटे से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग और हर किस्म की मतलब जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करने का इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट किया है। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा, जिस नेक नियति से इन्होंने शुरू किया है आने वाले दिनों में इनको तरक्की मिले और कामयाबी मिले। कि जितनी भी आज एक सलून के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें होना चाहिए वो कोशिश करके इन्होंने रखने का काम किया है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमारे कुर्ला की आवाम करेगी और एक नए लुक में लोग नज़र आएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सर आप भी आना पसंद करोगे? मैं इनका 10 साल से क्लाइंट हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा हम लोगों की इसी तरीके से सेवा चलती रहेगी। जिस तरीके से अभी लोगों की जिंदगी पटरी पे लौट रही है, हम लोग यही आशा करते हैं कि जनवरी लगने के साथ में जो ट्रेन बंद है ट्रेन शुरू हो जाए, जो स्कूलें बंद है स्कूल शुरू हो जाए, और जो बच्चों के या बेरोज़गारों के जो कारो जो भी पढ़ाई हो या जिनका रोजी रोज़गार रुका हुआ है, नए साल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और जो एक साल का एक बहुत बड़ा गैप हो गया गैप को कहीं ना कहीं दूर करे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत खुशी की बात है कि सर हमारे पास आए ओपनिंग के लिए। सर यहाँ पर आए आज के दिन क्या कहना चाहिए? सर ने अपना समय निकाला है यहाँ पर, सर के लिए तो मैं दुआ करूँगा सर जल्दी से MLA बन जाए और मंत्री भी बन जाए। तो सर को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, मतलब 10 साल से मैं इनका सर का काम कर रहा हूँ, हम लोग इनका सेवा कर रहे हैं। सर ने भी आज आके हमको मतलब बहुत अच्छा लगा कि सर हमारे पास आए। आपके सलून में कोई ऐसा स्पेशल कुछ स्टाइल है हेयर का या कुछ पर क्या? हम लोग का कैसा बेसिकली जो हेयर स्टाइलिंग का है ना मेरा, मतलब 1 हेयर कट में 6 लुक दे सकता हूँ मैं। एक बार हेयर कट करेंगे ना हम लोग तो 6 स्टाइल हो जाएगा उसमें, आप रोज़ नया नया लुक ले सकते हो। और कलर्स का भी है मेरे पास नया टेक्नोलॉजी, जो हम लोग कलर करते ना तो मतलब नॉर्मली कोई भी सलून में लोग सेट कार्ड रखते हैं ना अलग अलग, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 सेट कार्ड में हम लोग 100 कलर बना सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी मेरे पास है। कितने सालों से और आपके ऐसे कौन कौन से क्लाइंट हैं कई सालों से आ रहे हैं? मेरे पास तो ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे सर भी हैं हमारे पास क्लाइंट, डॉक्टर साहब हैं ये भी बहुत सालों से मेरे क्लाइंट हैं, चंदा कोचर है मेरी क्लाइंट थी ICICI बैंक की CEO थी, और भी लोग हैं ऐसे क्लाइंट बड़े बड़े लोग VIP लोग हैं जिनका नाम ऐसा पब्लिकली नहीं लिया जा सकता, कुछ पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े वो भी क्लाइंट हैं हमारे। आपके कितने ब्रांच आप आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगा, कुर्ला में इस तरह का कोई सैलून नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और मैं अकबर भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनकी ये सैलून बहुत अच्छी चले, लोगों की अच्छी सेवा करने का उनको मौका मिले और अल्लाह ताला उनकी तरक्की करे। पहले ये मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरे भाई अकबर को, जिसने बहुत मेहनत करके बहुत जद्दोजहद करके इतना बड़ा सलून खोला। बहुत दिन से ये सलून का काम चल रहा था और मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में से एक दोस्त था मेरे अकबर भाई। अकबर भाई हमेशा एकदम सिंपल आदमी है, ज़मीन पे ही रहने वाला आदमी है, कभी भी मतलब ये नहीं दिखाता है कि मैं 5 सलून का मालिक हूँ, जबकि वो 5 सलून का मालिक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके सालून ऐसे बड़े बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मरोल में, असलफा में, साकिनागा में, तो मतलब कोई मामूली आदमी नहीं है हमारा अकबर। तो अकबर के आने में ये फील होती है कि मैं मेरे घर में आया हूँ, मुझे एकदम मतलब अलग ही सा ये होता है कि बाबा मेरा चेहरा ग्लो हो जाता है, मेरे बाल अच्छे से कट जाते हैं, और अकबर जब खुद हाथ लगाता है तो एकदम मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक्टर की जैसी फीलिंग आ रही है। कौन सा दूसरा नाम है? मिस्टर परफेक्टिस्ट, हर चीज़ एकदम परफेक्ट करते हैं, तो ये कुछ अगर बोल रहे हैं तो बहुत ही इनके आगे कुछ तो बोल ही नहीं सकते भाई, क्योंकि एकदम परफेक्ट ही बोलते हो और सबको पता है यूसुफ भाई। तो आने वाले साल के बारे में क्या शुभकामना देना? सबसे पहले तो मैं ये जो 2020 सबसे मनहूस गया, इतना मनहूस साल तो किसी कभी नहीं गया होगा, तो मैं दुआ करता हूँ ऐसा साल किसी के पास वापस नहीं आए, दोहराए नहीं,
और जो आने वाला साल है सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, बाहर लाए और आगे लोगों को बढ़ने की उन्नति और सारी चीज़ें मिले, ताकि जो लोगों ने ये साल में देखा है वो साल के बाद उनको एक अलग खुशी आए। ब्यूटी थेरेपिस्ट है तो हमको स्किन के बारे में स्टाइलिश बोल्स, और इस टाइम पे कूल कलर्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं तो बहुत फैशन शेड फॉलो करते हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छी। ऐसा कौन सा कोई कलर हो जो आपने अपने फीमेल कस्टमर के ऊपर जो किया है और काफ़ी फेमस है और लोग कहते के बाद ब्राउन एश कलर बहुत अच्छा कलर है, वो एवरी स्किन टोन पे सूट करता है, बहुत अच्छा जाता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन पर भी काफ़ी बुक कर देता है, उसमें काफ़ी लेडीज बहुत ब्यूटीफुल है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमें उनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगेगा, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो आई होप कि बहुत अच्छे सर रही है और अच्छा लगेगा काम करके यहाँ पे हम लोगों को। मेरे पास तो देखो मेरा स्टाफ तो मैं सबको मेरे घर जैसे रखता हूँ, मैं सब मेरे बच्चे लोग के जैसे ही है और बहुत अच्छे से काम करते हैं मेरे सिंसियरली। आपके पूरे ब्रांच में कितने स्टाफ हैं आप? 42। और इस ब्रांच के लिए स्पेशल कितने हैं? अभी तो 15 है। ऐसा लग रहा है ब्लॉसम सैलून का नया ब्रांच खुला है, मुबारकबाद असगर भाई को। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। दुकान जो ब्लॉसम सैलून खुला है कुर्ला वेस्ट में, जो सारा होटल उसके सामने, आइए एक बार विजिट कीजिए। जब से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट किया है इन्होंने मुझे एक नया ही लुक दिया, उसके वजह से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। आप कितने साल से इनके क्लाइंट हो? करीबन इनको 2 साल हो चुका है मुझे, 2018 से मैं इनके पास आता हूँ। मैं एक नॉर्मल सा एकदम लुक, अजीब सा लुक लेकर आया था इनके पास, बट इन्होंने मुझे ऐसा लुक दे दिया, इतना रिफ्रेशमेंट, इतना अच्छा लुक कि बस लाइफ ही वहाँ से पलट गया है। इतने अच्छे फॉलोअर्स मिल गए मुझे, तो बोलूँगा ज़्यादा नहीं, एक बार आओ और आके इसकी सर्विस देखो तो आपको पता चलेगा। अभी ये जो लेटेस्ट लुक है ये भी इन्हीं के तरफ से? पूरा इन्हीं की तरफ से, जो भी मेरे हेयर कलर हुए, जो भी लुक हुए, जो भी चीज़ पर्सनल मेरा यही करते हैं। ओके, ऐसा कौन सा स्पेशल चीज़ है जो हेयर के रिगार्डिंग या फेस फेशियल के रिगार्डिंग जो आपको इधर पसंद आता है स्पेशल? इनका हेयर कलर का जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे कंपनी के होते हैं, जिससे हेयर को नुकसान बिल्कुल नहीं होता, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कोई भी नॉर्मल सैलून में जाओगे वो लोग कुछ भी यूज़ कर लेंगे जिससे आपके हेयर आगे फॉल हो सकते हैं, जो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। अभी तो जो नया सैलून खोला है मैंने तो ऑलरेडी नया सैलून के लिए ऑफर होता है, तो भी हम लोग तो 1+1 का स्कीम रखने वाले हैं, जो भी लोग आएंगे ना एक बार सर्विस के लिए, फर्स्ट विजिट आएंगे उसका हम लोग चार्ज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएंगे उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो इस दिन का तो हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। एक्चुअली मैं अकबर भाई से और स्पेशली ब्लॉसम से सिंस 4 ईयर्स आई एम टोटली कनेक्टेड विद यू नो अकबर भाई एंड ब्लॉसम, सो आई कैन से दिस इज़ यू नो लग्जरी सलून्स अगर कुर्ला में है सो वी कैन कॉल ब्लॉसम, वी हैव टू विजिट। तो और ये सेटअप एंड द इंटीरियर रियली वाओ, एक फीलिंग आता है। एंड ऑब्वियसली हर किसी को ये लगता है कि हम लोग एक सलून्स का एक दूसरा इमेज भी आ गया लग्जरी काइंड ऑफ, तो वो इमेज है यहाँ पे, आप आओगे तो यहाँ पे अच्छा भी लगेगा। एंड 4 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं ब्लॉसम से, रिलेटेड टू सर्विस, रिलेटेड टू यू नो क्वालिटी, ये सारे तो एक्सपर्ट हैं ही हैं, अकबर भाई स्पेशली जिस हिसाब से इनिशिएट और जिस हिसाब से इसको टेक ओवर कर रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, ये आपका इतना ग्रैंड ओपनिंग आपका इंशाल्लाह सक्सेस होगा ही होगा, एंड ऑल द बेस्ट वेरी। आए सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं बहुत बड़े, इनका नाम है पूरे इंडिया में, लेकिन मेरे लिए इसने समय निकाला सर ने, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, और थैंक यू सर आप आए। अरे सलून का ओपनिंग किया गया अकबर जी ने द्वारा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे अकबर साहब हैं ये माशाल्लाह ब्लॉसम के नाम से पूरे कुर्ला में छाए हुए, काफ़ी इनके आउटलेट हैं, कोहिनूर का आउटलेट मेरा देखा हुआ है, और आज मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे अकबर भाई को, उनके तमाम भाइयों को, उनके अजीज़ों को, उनके रफ़का को और हमारे फैयाज भाई को, कि इतनी बेहतरीन, मुझे मैं जाकर देखा अभी अंदर, मुख्तलिफ़ रूम है, मुख्तलिफ़ काम के रूम है, तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अकबर भाई को खूब कामयाब करे यहाँ पर, और सबकी दुआएं इनके साथ में रहे। बरकातहू, ये भाई बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया है,
मतलब है कुरला में सेटअप पहली टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बेहतरीन सेटअप है कि इंशाल्लाह अपने जो भाई आएंगे इंशाल्लाह उनको कोई बात की तकलीफ़ नहीं बैठने की और हर तरह की मतलब चेहरा बनाने की हर किस्म की करने की। माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रांच डाला इन्होंने और अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमावे। जैसा इन्होंने ब्लॉसम को कोहिनूर वाले को चमकाया है, मैं उम्मीद रखता हूँ भाई इसको 10 गुना और ज़्यादा चमका देंगे। नहीं, ये तो हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि अकबर भाई अपना यहाँ बोले। आप तो जानते ही हैं कि अकबर भाई ये फील्ड में काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी, तो दिस वॉज मच ड्यू। और जिस हिसाब से जो सलून बनाया है, ठीक है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द काइंड इन कुरला, ठीक है, वेयर द स्टैंड अलोन सलोन, यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग चेन्स लाइक एनरिच एंड ऑल, बट आप देखा जाएगा तो उनके हिसाब से मतलब दिस इज़ क्वाइट अ बिग अचीवमेंट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज दिस एडवेंचर। या सर, हमारे पास तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं सर और हमारे दोस्त भी हैं, मैंने इनको इनवाइट किया, आए मुझे बहुत खुशी हुई। सर, किस तरह की सर्विसेज आपको पसंद आती हैं, आपने मिले भी किया रहेगा? नहीं तो मैं इनके पास तो काफ़ी सालों से जा रहा हूँ मैं, और एक चीज़ है कि इनके जो भी टेक्नीशियंस हैं, या आप आर्टिस्ट बोलो या कारीगर बोलिए, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, ठीक है। सो आप मेन ग्रूमिंग बोलो या वुमेन ग्रूमिंग बोलो, दे आर क्वाइट एक्सपर्ट एंड अकबर भाई इज़ फेमस इन हिज एरिया फॉर हेयर कट्स एंड ऑल, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग टाइम, सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर, आई मीन हिज नेम सेल्स, आई मीन पीपल नो हिज नेम इन द हेयर इंडस्ट्री, सो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो इनिशिएटिव बाय हिम। बहुत खुश है, काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे सलून का, एक्चुअली काफ़ी वक्त लग गया इस लॉकडाउन के चक्कर में, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और आप लोग इधर कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल है फेमस या फेशियल फेमस है जो आप लोग कस्टमर्स? यहाँ पे होती वाइटनिंग काफ़ी फेमस है, वो बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और बहुत माइल्ड है, एवरीवन जस्ट इज वेरी गुड फॉर फेशियल कर रहे हैं। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे ऑनर ने एक ब्रांच नहीं ओपन किया है और हमारे लास्ट स्टाफ भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे सब यूज एंड थ्रो डिस्पोजिबल्स है, प्रोडक्ट्स भी हमारे स्नो वाइट है, रेमिलोल है, इटालियन प्रोडक्ट्स है एंड हाइजेनिक है एंड डिस्टेंस रखते हुए हम सब कर रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक को लेकर क्या क्या आप लोग प्रिकॉशन लेते हैं? यस, पीपी किट्स हम ऑन ड्यूटी ऑल टाइम पहने रहते हैं और क्लाइंट आते तो उन्हें सैनिटाइज करते हैं एंड टेम्परेचर चेक करते हैं एंड यही सब। ये इलाका कुर्ला इलाका है तो यहाँ की जो प्रोफेशन अलग होगी, तो यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज दी जाएगी वो बताइए। यहाँ पर जैसे क्राउड जैसे क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम उन्हें सर्विस देंगे।